तक मुंडिया ने बाहर जाणों नहीं हटना। दोस्तों कंफ्यूजन हुआ खत्म। शाहरुख खान की फिल्म डंकी का पोस्टर और रिलीज डेट भी आई सामने। जी हां, राजकुमार ईरानी डायरेक्टर डंकी के पहले पोस्टर से ये भी पता चल गया है कि शाहरुख खान फिल्म में क्या रोल करने वाले हैं। तमाम तरह की अटकलें लग रही थी, फाइनली अब उन सब पर विराम लग गया है क्योंकि मेकर्स ने फिल्म का पहला इंटरनेशनल पोस्टर रिलीज कर दिया है। इसमें फिल्म की ओवरसीज रिलीज डेट भी बताई गई है, जिससे ये पता चल गया है कि डंकी पोस्टपोन नहीं होगी। इस पोस्टर से फिल्म में शाहरुख खान के रोल के बारे में भी बताया गया है। डंकी को विदेशों में रिलीज करने वाली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने फिल्म का एक पोस्टर रिलीज किया है। इसमें शाहरुख खान ने पीले रंग का कुर्ता और आर्मी प्रिंट वाला कार्गो पहना है। वो धूल धक्कड़ वाली किसी इंटरनेशनल लोकेशन पर हमारी तरफ पीठ करके खड़े हैं। उनके सामने से 6 लोगों का एक जत्था गुजर रहा है। शाहरुख खान के पास ढेर सारा लगेज है, एक बैग उनकी पीठ पर लटका है, एक बस्ता और जैकेट उन्होंने अपने बाएं हाथ में पकड़ा हुआ है, दाहिने हाथ में उन्होंने वाटर बॉटल जैसा कुछ लटका रखा है। पोस्टर पर लिखा है, अ सोल्जर जर्नी टू कीप अ प्रॉमिस, यानी अपना वादा करने के लिए एक सैनिक की यात्रा। इससे यह पता चलता है कि शाहरुख खान की डंकी में एक सैनिक की भूमिका है, जिसे अपना वादा पूरा करने के लिए पूरी दुनिया घूमना पड़ता है। इसके साथ ही पोस्टर पर फिल्म की रिलीज डेट 21 दिसंबर 2023 बताई गई है, यानी विदेशों में डंकी इंडिया से एक दिन पहले रिलीज होगी। पिछले दिनों ऐसी खबरें चल रही थी कि शाहरुख खान डंकी की रिलीज डेट बदल सकते हैं, क्योंकि 22 दिसंबर को ही प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्म सालार भी रिलीज होने वाली है। संभावना है कि इंडिया में भी फिल्म को 21 दिसंबर को ही रिलीज किया जाएगा, तय रिलीज डेट से एक दिन पहले। पोस्टर के बाद जल्दी फिल्म का टीजर रिलीज किए जाने की खबरें भी आ रही है। खैर दोस्तों, आपको ये पोस्टर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी शाहरुख खान के डायहार्ड फैन हैं तो ऐसे ही शाहरुख खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।